बोल रहे हैं कि मेरे साथ हुआ है, जिसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। अगर सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो यही हम सोचेंगे कि जो पिछली बार बलात्कारियों के समर्थन में सरकार खड़ी रहती थी, इस बार भी उनका मंशा यही है। अच्छा, बीज को गंभीरता से नहीं लेती है तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को शर्मसार करने वाली बात है। योनसन सिंह सत्ता के नशे में मस्त हैं, उनको पता है कि जो उनके संरक्षक हैं वह उनके लिए खड़े रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद है पटना के एएन कॉलेज में और हमारे साथ मौजूद है पटना एएन कॉलेज के छात्र नेता ललित दत्त जी। ललित दत्त जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे देश प्रेम न्यूज में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ आने के लिए। ललित दत्त जी, ये बताइए, जिस तरीके से अभी जो माहौल चल रहा है देश में खिलाड़ियों को लेकर के, कुश्ती संघ के अध्यक्ष का इस्तीफा मांगा जा रहा है, जितने भी कुश्ती के खिलाड़ी हैं नेशनल इंटरनेशनल टीम खिलाड़ी, वो लोग उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, बृजभूषण सिंह जी का, जो कि वो बीजेपी के सांसद भी है और कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी है, मगर वो इस्तीफा देने के लिए अड़िंग है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, देश में एक अजीब विडम्बना चल रही है कि हमारा ओलंपिक लेवल के जितने भी महान खिलाड़ी हैं, जो देश का सर गौरवान्वित करते हैं, देश का सर ऊँचा करते हैं, चाहे वो रवि बबीता फोगाट हो, गीता फोगाट हो, या फिर रवि दहिया हो, साक्षी मल्लिक हो, ये कोई ऐसे नाम हैं जिनको कहने की ज़रूरत नहीं है। जब टीवी पे ये मेडल लेके उठती हैं, जब दिखाती है, तो पूरा देश जो है खुशी से झूम उठता है। आज के दौर में एक ऐसा समय आया है कि इनके ऊपर जो आरोप है इनका, अगर सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती है तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को शर्मसार करने वाली बात है। यौन शोषण एक ऐसा इल्ज़ाम है, एक ऐसा ये है जिसको भारत सरकार को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए, और भारत सरकार के जो सबसे उच्च पद पर जो बैठे हुए हैं उनको इस चीज़ को सोचना चाहिए कि भारत विकास का मतलब ये नहीं होता है कि चारों तरफ घूम के आप सिर्फ हवाबाजी करें। सबसे बड़ा एक और नेता पर लगा हुआ रेप का आरोप लगा, वो भी बहुत ही बड़े नेता है जिनका नाम शाहनवाज हुसैन है, उन पर भी यही यौन उत्पीड़न का ही मामला है। देखिए, मेरा तो सबसे पहले ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने लंबे लंबे बातों में नहीं रहे, लंबी लंबी बातों को जो दिखाकर वो देश में एक अलग माहौल बनाती है, ये एक शर्मसार करने वाली बात है कि एक बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल की खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इसलिए सड़क पर आकर बैठ गई है कि उनके साथ यौन शोषण हो रहा है, तो इसको बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। और सबसे पहले वो दुराचारी जिसके ऊपर उनका इल्ज़ाम है कि ये जहाँ लेके जाते हैं वहाँ यौन शोषण होता है, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की आवश्यकता है। बृजभूषण सिंह और उनके कोच पर भी आरोप है। बृजभूषण सिंह कोच, देखिए, बहुत अच्छा लगा कि कभी कम से कम जो महिला के अंदर इतना विकास हुआ, जो हमारी खिलाड़ी है इतना समझदार बनी, उनके अंदर ये हुआ कि चलो हम एक बार आते हैं और इस मूवमेंट को उठाते हैं, और ये शोषण आज से नहीं है, शोषण पहले से भी हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, बस यही कि लोगों के लज्जा लाज के भय से ये कभी खुल के नहीं बोल पाती थी, और आज जब जाके बोल रही हैं तो कोई छोटे स्तर की नहीं बोल रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत को गोल्ड मेडल देती है, ओलंपिक खेलती है, इस तरह इस लेवल की खिलाड़ी अगर सड़क पर आके बोल रहे हैं कि मेरे साथ हुआ है, जिसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, अगर सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो यही हम सोचेंगे कि जो पिछली बार बलात्कारियों के समर्थन में सरकार खड़ी रहती थी, इस बार भी उनका मंशा यही है। अच्छा, बीजेपी का जो नारा हुआ करता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा कहाँ तक सही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जितना सुनने में अच्छा लगता है, अगर इस पर अमल होता, काम होता, तो ये भारत देश के लिए बहुत ही गर्व की बात होती। अगर ये बेटी बचाओ की बात होती तो आज इतने ऊपर के लेवल के खिलाड़ी सड़क पर बैठकर ये हल्ला नहीं कर रहे होते, ये आंदोलन नहीं कर रहे होते कि मेरे साथ शोषण हो रहा है। और एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, दो व्यक्ति झूठ बोल सकता है, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पहचान दिलाने वाले सारे खिलाड़ी बैठे हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। और खेल मंत्री तक को इस्तीफा देनी चाहिए, यहाँ मैं ये नहीं कहता कि उनको इस्तीफा देनी चाहिए, खेल मंत्री को बृजभूषण सिंह के साथ इस्तीफा देनी चाहिए और उनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। वो तो इस्तीफा दे ही नहीं रहे, बृजभूषण सिंह तो बोले कि मैं इस्तीफा दूंगा ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। बृजभूषण सिंह सत्ता के नशे में मस्त हैं, उनको पता है कि जो उनके संरक्षक हैं वह उनके लिए खड़े रहेंगे, वो उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि जिस लोक लुभावन वादे के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ आई थी, उन वादों पे वो खरी नहीं उतर रही है। अब इनका एक ही मकसद है कि किसी तरह सत्ता में बने रहना है और हरे दबा देना है। खिलाड़ियों के पास प्रूफ भी है, वो लोग बोल रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री अगर हमसे प्रूफ मांगे तो हम प्रधानमंत्री को प्रूफ भी दे सकते हैं, दिखा सकते हैं कि खिलाड़ियों का किस तरह से यौन शोषण बृजभूषण सिंह जो कि बीजेपी के मंत्री है और वहाँ के जो कोच है किस तरह से
वहाँ पे लड़कियों का यौन शोषण किया जाता है, खिलाड़ियों का किस तरह से यौन शोषण किया जाता है, वो उनके पास प्रूफ है, बोले प्रधानमंत्री अगर बोले तो हम दिखा सकते हैं। देखिए अब जब ये मुद्दा देश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चला गया है, थूथू हो रही है और अभी भी केंद्र सरकार गंभीर नहीं हो रही है, तो एक निर्लज्ज सरकार जो होता है जिसको हम उपमा दे सकते हैं, एक निर्लज्ज सरकार जो बाद में एक चिकनी चुपड़ी बातें करके इसको ढकने का प्रयास करेगी, लेकिन आज ये बात देश से निकल के बाहर तक चली गई है कि वहाँ खिलाड़ियों के साथ क्या होता है, भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति एक गरीब घर की बच्ची या एक पढ़े लिखे घर की बच्ची खेल से क्यों नहीं जुड़ना चाहती है, वो उस ओर अपना क्यों नहीं अपना ये करना चाहती है, वो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि शोषण जो है उनका शोषण का डर उनके अंदर बैठा हुआ है। और अब जो हम देख रहे हैं तो इससे साफ स्पष्ट हो गया कि भारत में स्थिति क्या है खिलाड़ियों की। अरे बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री ये किसानों को लेकर के मौन व्रत किए हुए हैं, कई दिनों से लगातार कहीं बक्सर में कहीं पटना में मौन व्रत कर रहे हैं, तो इन खिलाड़ियों को लेकर के वो मौन व्रत कब करेंगे, इनके साथ जो शोषण हुआ उसको लेकर के वो मौन व्रत कब करेंगे? खिलाड़ियों को लेकर तब तक ये मौन व्रत करेंगे जब तक इनको कहीं कोई राजनीतिक फायदा नहीं दिखता है, जब तक इनको हिंदू मुसलमान नहीं दिखता है, जब तक इनको राष्ट्रवाद के नाम पे एक लहर बनाने का नहीं दिखता है। वो सारे राष्ट्र के लिए खेलने वाले खिलाड़ी हैं, अब इनके पास कोई जवाब नहीं है कि क्या देंगे, एक नया बनाएंगे, सबको सबको झूठा साबित कर देंगे। इनके नज़र में रवि दहिया भी देशद्रोही हो जाएंगी, गीता और बबीता फोगाट भी देशद्रोही हो जाएंगी, पूना साक्षी मलिक जो है जो गोल्ड मेडल लेकर सबसे पहले खड़ी हुई थी और तिरंगा लेकर लहरा रही थी, सब इनके नज़र में देशद्रोही होंगे, लेकिन वो बृजभूषण सिंह बलात्कारी जो है इनके लिए सबसे बड़ा देशभक्त होगा। यही मानसिकता के साथ बीजेपी राजनीति करते आ रही और करेगी। इस पर 2024 में क्या असर पड़ेगा इसका? 2024 से बिल्कुल जवाब देंगे, हमारी आकांक्षाएं जुड़ी है, हमारी भविष्य का जो खिलाड़ी हैं जो और भी आगे कर सकते हैं वो उनसे नहीं जुड़ेंगे अगर इस तरह का हरकत हुआ तो हम लोग इसका जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे, आंदोलन होगा इसके ऊपर, चरणबद्ध आंदोलन होगा। जी धन्यवाद। अब देख रहे थे हमारे साथ मौजूद है एन कॉलेज के छात्र नेता ललित जज जी, धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे फेसबुक पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिए।